सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां एक बात आपको बताना चाहूंगा। आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखते हैं जो कि जॉब से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलरली एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई ऐप ढूंढ रहे हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जिस पे आराम से बैठे बैठे जॉब ढूंढ सकें, तो दोस्तों मुझे एक एप्लीकेशन मिला है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जाइए, उसे क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपने अकॉर्डिंग जॉब ढूंढना चालू कर दीजिए। तो अगर आप जेट एयरवेज के ऑपरेशन में, यानी कि जेट एयरवेज कब स्टार्ट होगी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, एज एन इन्वेस्टर, एज एन ग्राउंड स्टाफ, एज ए केबिन क्रू, यानी कि एज एन एम्प्लॉई, तो आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्यों? इसका जवाब आप वीडियो में आगे जरूर देखेंगे एंड यू विल रियली से कि हाँ, इस वीडियो से आपको बहुत सारे वैल्यूज मिले हैं। दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, आखिर क्या बुरी खबर है, उसको जानने से पहले आपको एक बात समझना जरूरी है। एक बहुत ही कॉमन और सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप में से मैक्सिमम लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो एज है दैट इज अराउंड 18+। तो अगर बात करें हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, तो उसमें दो बातें आती हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही ना हो, और पॉइंट नंबर टू जो आता है वो ये कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो हो लेकिन वो एक्सपायर हो गया है। तो पॉइंट नंबर टू में जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो आपको करना होता है कि जो भी फी या लेट फी होती है उसके अकॉर्डिंग जाकर आपको अप्लाई करना होता है। जो भी टेस्ट होते हैं, इफ अप्लीकेबल जो कि होते हैं, आपको उसे जाकर देना होता है और दोबारा से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। तो जरा ये सोचकर देखिए कि एक बार एक्सपायर होने के बाद अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू ना हो तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हो रखा है आज के वक्त में जेट एयरवेज के साथ, और आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में डिटेल बताऊंगा। अब आप पूछेंगे, एज एन कैंडिडेट अगर मैं एयरलाइन में और खासतौर से जेट एयरवेज में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो उसका इस वाले वीडियो से क्या लेना देना है। लेना देना है दोस्तों, क्योंकि जिस एयरलाइन से आप कनेक्ट होने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू ट्राई योर बेस्ट कि आपको उसमें जॉब मिले, नौकरी मिले, उसके रिगार्डिंग हर वो खबर, हर वो न्यूज जो कि उससे रिलेटेड हो, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी इस तरह का पूछा गया तो आप उसे बता सकें और उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकें। दोस्तों, एयरलाइन में AOP यानी एयर ऑपरेटर्स परमिट होता है, और इस AOP को लेने के लिए DGCA के परमिशन की जरूरत होती है। जेट एयरवेज फाइनेंशियल इश्यूज के चलते जब बंद हुई थी, तो ऐसा मानकर चल सकते हैं, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में इसको समझें, कि इसका जो AOP था वो एक्सपायर हो चुका था। तो दोस्तों, जेट एयरवेज को दोबारा स्टार्ट करने के लिए इस AOP का वैलिड होना जरूरी था। तो जेट एयरवेज ने DGCA के सामने एक एप्लीकेशन रखा कि हमें इस प्रोसेस से छूट मिल जाए। छूट इन द सेंस, उनका कहना था कि ऑलरेडी हमारे पास ये है तो हमें इसके लिए अप्लाई न करना पड़े, लेकिन अभी जो फिलहाल जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत कहीं भी इस तरह की बात नहीं आती है कि आपको AOP से छूट मिल जाए। तो बात यहां पे आती है कि जेट एयरवेज को भी दोबारा से एज अ फ्रेश एयरलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों, AOP लेने के लिए आपको एक टेस्ट से गुजरना होता है, आपको एक ऑपरेशन प्रोसीजर से गुजरना होता है, और उसके बाद ही आपको AOP मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आती है, बात ये उठती है कि क्या जेट एयरवेज के ऑपरेशन में, जेट एयरवेज को स्टार्ट होने में देरी होगी? तो इस बात की संभावना कम दिखती है, लेकिन जितनी भी कहानी है वो एक पॉइंट पे आकर रुकती है, और वो है AOP। समय रहते इसके रिगार्डिंग कोई सेकेंड प्रोसेस या फिर कुछ और डाइल्यूशन या डिविशन करके या फिर ऑथेंटिकेट करके कुछ भी कर दिया जाए, वो अलग बात है। तो अब आप पूछेंगे कि इसमें बुरा न्यूज़ क्या है, व्हाट इज बैड न्यूज़। तो दोस्तों, जब हम कुछ करने जाते हैं, दिल में बड़ी तमन्ना होती है, और कुछ भी अगर मन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक झटका होता है। अब बात ये आती है कि अगर हम उसको सह जाते हैं, अगर वो हमारे ऊपर या हमारी सोच या हमारी प्लानिंग को कुछ इंपैक्ट नहीं करता, तो वो झटका नहीं होता। लेकिन अगर ये हमारे प्रोसेस को, ये हमारी थॉट को, ये हमारी प्लानिंग में कुछ ना कुछ इंटरप्शन डालता है, कुछ कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करता है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो आपकी राय इसके बारे में क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस, मेरे कंटेंट्स कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपके काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।
बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।